तो भाई तुम्हें याद होगा कि कुछ ही दिन पहले इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में बहुत बड़ा चेंज करा गया था और अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। अब जब ये डिसीजन लिया गया था तो बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि अक्षर पटेल अब भी रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो आखिरी वक्त पे हम रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप 2023 में लेके जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैंने ये कहा था कि देखो भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ घोटाला है। हालांकि मैं अश्विन को वर्ल्ड कप में ले जाने के फेवर में था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अक्षर पटेल के कंपैरिजन में जो अश्विन हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, बैटिंग के मामले में अक्षर पटेल काफी अच्छे हैं, पर देखो सिंपल सी मैथ्स है, अगर अक्षर पटेल बैटिंग में 10/10 हैं तो भाई अश्विन जो हैं वो एटलीस्ट 10/5 तो हैं। वहीं लेकिन बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग में अक्षर पटेल देखो 10/1 हैं और अश्विन जो हैं वो 10/7, 8, 9 मैच के हिसाब से साबित हो सकते हैं। तो कुल मिला के इस कॉम्बैट में अश्विन जो हैं वो जीत रहे थे। और सिर्फ बैटिंग बॉलिंग की बात नहीं है, एक फंडा ये भी था कि जडेजा ऑलरेडी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके के बॉलर हैं जो कि अक्षर पटेल का काम है, इसलिए भी अक्षर पटेल जडेजा के साथ उतने इफेक्टिव किसी भी मैच में साबित नहीं हो पाते जितने अश्विन हो पाते, क्योंकि अश्विन का जो बॉलिंग स्टाइल है वो ना ही कुलदीप यादव से बिल्कुल मैच करता है और ना ही जडेजा से बिल्कुल मैच करता है। हां, अक्षर पटेल का एक फील्डिंग वाला फैक्टर था तो थोड़ा सा उनको एज दिला सकता था, लेकिन जब बैटिंग और बॉलिंग से एज नहीं मिला, खासकर जो मेन काम है बॉलिंग उसमें ज्यादा एज नहीं मिला, तो फिर फील्डिंग से क्या ही मिलता। पर याद है मैंने उस वक्त पे एक बात कही थी कि यहां पे कुछ तो झूठ बोला जा रहा है कि भाई अक्षर पटेल जो है वो रिकवर नहीं हुए हैं इसलिए अश्विन को भेजा जा रहा है, क्योंकि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन टीम ने अपने स्क्वाड को अनाउंस करा था तो उन्होंने पहले दो मैचेस के लिए अलग स्क्वाड अनाउंस करा था और तीसरे मैच के लिए भी अलग स्क्वाड अनाउंस करा था जिसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स रेस्ट के बाद रिटर्न कर रहे थे। उस स्क्वाड में अक्षर पटेल का भी नाम था, लेकिन उनके नाम के आगे ये लिखा था कि अगर वो तब तक रिकवर हो गए तो भैया टीम में वापसी कर लेंगे। लेकिन जैसा कि जब तीसरा ओडीआई मैच आता है तो बीसीसीआई कहता है कि अक्षर पटेल रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते वो तीसरे ओडीआई मैच में नहीं दिखेंगे। लेकिन सेम टाइम पे ये भी एक खबर सामने आती है कि अक्षर पटेल जो हैं वो वार्म अप मैच तक बिल्कुल फिट हो जाएंगे और इंडिया के साथ वर्ल्ड कप 2023 के सफर में वो ही आगे जाएंगे। पर फिर पता है क्या होता है, फिर खेला जाता है वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा खेल। पर वो देखने से पहले भाई जहां मैंने जिक्र करा वर्ल्ड कप 2023 का, देखो भाई वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैचेस इतने शानदार होने वाले हैं, तो आखिर इंतजार क्यों ना करें। लेकिन क्या वर्ल्ड कप में बैठ के सिर्फ मैच ही देखोगे क्या? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना। तो भाई बैठा है मदद करने के लिए, भाई कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंडिया की नंबर वन लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन का, जो कि भैया एक नंबर प्रेडिक्शन करती हैं, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और भाई बहुत लोग हैं इंडिया में और बाहर भी जो आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, कोई 1000 कोई 2000, लेकिन भाई यहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इनके टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए वर्ल्ड कप में भी और फिलहाल भी कहीं भी जो मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। बस उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर पैसा ही पैसा छापना है, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। भाई ये जो आकांक्षा है ना, 8-10 साल का इसको एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एनालिसिस करती है, इसीलिए इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है हर चीज की, चाहे टॉस हो, चाहे कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम कितना स्कोर मारेगी, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो भाई से मेरी बात विश्वास मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो और मस्त पैसा कमाओ। जैसा मैं कह रहा था कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे ओडीआई मैच में अक्षर पटेल का रिटर्न नहीं करवाया जाता है तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि अभी अक्षर पटेल फिट नहीं हुए हैं, लेकिन वार्म अप मैच तक पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे और वही होंगे जो टीम के साथ वर्ल्ड कप 2023 की जर्नी में आगे जाएंगे। लेकिन फिर भैया जस्ट एक आध दिन बाद खबर आती है कि अक्षर पटेल जो हैं वो अब भी इंजर्ड हैं, वो रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अश्विन होंगे जो वर्ल्ड कप 2023 में जाएंगे। और मैंने कहा था भाई कि कुछ तो यहां पे घोटाला हुआ है, क्योंकि जिस इंसान के लिए क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया गया था कि ये वार्म अप मैच तक फिट हो जाएगा, आखिर ये इतना इंजर्ड दोबारा कैसे हो गया कि ये पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। तो भाई देखो इस बात पे खुद मोहर लगाई है अक्षर पटेल ने, जब कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी डाली जहां उन्होंने लिखा कि मुझको कॉमर्स की जगह साइंस लेनी चाहिए थी और सेम
टाइम पे एक अच्छा मुझको पीआर भी लेना चाहिए था, यानी कि जो थोड़ा मेरा प्रमोशन करे, जो मेरे नाम को थोड़ा पब्लिक में उछाले, जिसके चलते मैं भी शायद वर्ल्ड कप 2023 में आ चुका होता। ये लाइन नहीं लिखी थी कि वर्ल्ड कप 2023 में आ चुका होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही कहना चाहते थे। अब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये साइंस और कॉमर्स वाली लाइन का क्या मतलब है, तो भाई बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अश्विन जो है वो साइंस साइड के हैं, अश्विन जो है वो इंजीनियर हैं, जिसके चलते वो बातें अच्छी अच्छी तो कर ही लेते हैं, पर सेम टाइम पे भैया अश्विन का यूट्यूब चैनल है जिस पे वो क्रिकेट खेलने के साथ साथ रेगुलर रहते हैं। नहीं, बहुत से क्रिकेटरों ने आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल खोल लिया है, पर अश्विन उनमें से शायद एक ही होंगे, इकलौते ऐसे मतलब प्लेयर होंगे जो करेंटली पूरे तरीके से क्रिकेट में एक्टिव हैं। भाई नंबर वन रैंक के बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। ऐसा तो मेरे हिसाब से ना किसी ने किया था और ना ही कोई कर रहा है, ना ही कोई करेगा। पर यही चीज को टारगेट करते हुए अक्षर पटेल लिखना चाहते थे कि भैया उनकी एक टीम है जो बहुत ज्यादा उनको मार्केट करती है, और उसी के चलते अश्विन जो है वर्ल्ड कप 2023 में जा चुके हैं। पर पता है आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि कुछ ही मिनट्स के बाद अक्षर पटेल की वो जो स्टोरी होती है वो डिलीट करवा दी जाती है। और देखो, ये डिलीट करवाने वाला कोई और नहीं, जाहिर सी बात है इंडिया का मैनेजमेंट होगा, क्योंकि इंडिया का मैनेजमेंट ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर नहीं करना चाहता था कि अक्षर पटेल पूरे तरीके से फिट हैं और अश्विन को अक्षर पटेल को हटा के रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वाड जो है वो इंडिया ने वो ऑलरेडी दे दिया था। तो अगर स्क्वाड देने के बाद आप कोई चेंज करते हो तो वहां पे कोई इंजरी वाला रीजन होना चाहिए, तो वो तो अक्षर पटेल के साथ था नहीं, वो रिकवर हो गए थे। पर भैया किसी को पता थोड़ी था, उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल जो इंजर्ड हो गए थे एशिया कप में, वो इंजर्ड ही हैं, अब वो नहीं आने वाले हैं, अश्विन अन्ना मस्त बॉलिंग करा रहे हैं, अब इन्हीं को लेके जाएंगे। अब देखो, भले ही मैंने ये कहा कि मैं अश्विन को वर्ल्ड कप 2023 में ले जाने वाले डिसीजन के साथ हूं, लेकिन सेम टाइम पे अक्षर पटेल इस वक्त पे जिस दुख से गुजर रहे होंगे ना भाई, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अक्षर पटेल अब तक किसी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहे हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूं ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहे हैं। और एक बार जब स्क्वाड आ जाए, स्क्वाड में आपका नाम आ जाए, तो जाहिर सी बात है जब स्क्वाड में नाम आया होगा ना, अक्षर पटेल ने बहुत सेलिब्रेट किया होगा, उनके घर वालों की कॉल्स आई होंगी कि लड़का हमारा वर्ल्ड कप खेलेगा, वो भी भैया हमारे देश में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो खेलेगा, बहुत तो कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमारे लड़के को मिल रहा है, कितनी मिठाइयां बांटी होंगी, कितने दोस्तों को पार्टी दी होंगी। क्योंकि स्क्वाड में नाम आने के बाद बिना किसी वजह के कोई टीम से निकाल दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। तो अक्षर पटेल 100% इस बात पे मुहर लगा बैठे होंगे कि भाई तुम्हारा जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने, और उसके बाद जस्ट वर्ल्ड कप से पहले अगर आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं, जहां पूरी की पूरी वो टीम भेजी जा रही है जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए तैयार करी जा रही है, तो अक्षर पटेल ने तब तो बिल्कुल ही ये मान लिया होगा कि भाई अब तो मेरा ये सपना पूरा हो के रहेगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आखिरी कुछ दिनों में जो खेल खेला गया वो सही है इंडियन टीम के लिए, गलत है वो बात की बात है, लेकिन हां, अक्षर पटेल के लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि भाई कसम से बहुत बड़ा झटका लगा होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब वो इस वर्ल्ड कप में इंडिया को खेलते हुए देख रहे होंगे, चाहे टीवी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, किसी पे भी देख रहे होंगे, तो एक अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग आएगी, यार मैं भी यहाँ जाने वाला था, मैं भी वहां खेल रहा होता, लेकिन साला नाटक हो गया। बाकी देखो, अगर इस बात को लेके अब भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा शक है कि सच में अक्षर पटेल को ऐसे ही बाहर कर दिया गया, तो भाई मैं तुमको एक और यहाँ पे सबूत देता हूँ। अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो वार्म अप मैच खेला जाना था गुवाहाटी में, उस वार्म अप मैच से जस्ट पहले अश्विन का एक इंटरव्यू लिया जाता है स्टार स्पोर्ट्स पर, जहां वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा इंडिया के मैनेजमेंट को और रोहित शर्मा को, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया। हाँ, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं कही कि अक्षर पटेल से पहले मुझे ले गए, लेकिन जिस तरीके से कह रहे थे ना कि मैं थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया, तो भाई ये लाइन इंसान तब नहीं कहता है जब मुझको इसलिए ले गए क्योंकि भैया कोई मेन प्लेयर इंजर्ड था, ये तभी कहता है कि आपने किसी के ऊपर मुझ पे भरोसा दिखाया है। तो बस अश्विन भाई अब जा रहे हैं, बाकी जैसा मैंने कहा कि मैं इस डिसीजन से खुश हूं, लेकिन हां, अक्षर पटेल के साथ जो हुआ है उनके साथ मेरी सहानुभूति भी है। और यहां पे देखो, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अक्षर पटेल को समझना चाहिए जो हो रहा है इंडियन टीम के फायदे के लिए हो रहा है, पर भाई देखो जिसके साथ होता है ना, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जिससे इतनी बड़ी खुशी छीनी जाती है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो गालियां दे रहा होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा, जो कि मेरे हिसाब से नेचुरल भी है। बाकी अश्विन भाई तो पूरा पैसा वसूल करा के रहेंगे उस भरोसे का जो उन पे किया गया है, क्योंकि बंदा पता नहीं
हर रोज क्या करता रहता है, अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के वार्म अप मैच में ही अश्विन की एक फोटो सामने आती है, बंदा रिवर्स स्वीप खेल रहा था भाई, वहां रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। उसको पता है भैया सब कुछ करना पड़ सकता है, यही रीजन है कि कभी भैया मैच खत्म होने के बाद वो प्रैक्टिस करने चले जाते हैं, कभी नेट्स पे वो रिवर्स स्वीप खेलने लगते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भाई देखो बॉलिंग तो ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग वाला योगदान नहीं दिया जिसके लिए मुझ पर यह भरोसा दिखाया गया है, तो लोग भाई मेरे को गाली भी दे सकते हैं, और कुछ लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि यार अक्षर पटेल को ले जा लेना चाहिए था। लेकिन मैं देखो ज्यादा ये नहीं कहूंगा, भले ही अश्विन का टाइम थोड़ा सा बुरा भी चले जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अक्षर पटेल के साथ सबसे बड़ा नुकसान यही था कि जडेजा डिक्टो सेम तरीके के बॉलर हैं, और जब भी कुछ ऐसा सीन होता था ना कि लेफ्ट हैंड स्पिनर को नहीं दे सकते हैं, तो जडेजा को भी नहीं दे पाते थे, अक्षर पटेल को भी नहीं दे पाते थे, और जडेजा अक्षर पटेल इन दोनों को साथ में तो बिल्कुल ही नहीं दे पाते थे, क्योंकि भाई बैट्समैन के लिए कोई चेंज नहीं होता था। तो कुल मिला के इन दोनों के पूरे 10-10 ओवर किसी मैच में हो पाए ये बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन अश्विन के साथ कम से कम ये केस तो नहीं होगा, कम से कम थोड़ा सा चेंज तो देखने को मिलेगा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, ये जो अश्विन को अक्षर पटेल से पहले प्रेफरेंस दी गई है, आखिरी वक्त पे अक्षर पटेल को निकाल के अश्विन को टीम में एंट्री दी गई है, क्या हमें इसका फायदा होगा? और फिलहाल के लिए जो सोच के ये करा गया है, ये एक ऑनेस्ट डिसीजन है, एक सही डिसीजन है? जो भी आपका टेक है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा पता है ना क्या करना है, बिना समय बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पे जैसा मैंने कहा इतनी सटीक भाई तुमको प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी कि भैया उसका इस्तेमाल करके वो भी फ्री में मिलेंगी। भाई सबसे मेन बात तो ये है, कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप में भैया चांदी ही चांदी होगी। तो बस मेरी बात विश्वास मत करो, मैं कहता हूं ना सिर्फ विश्वास मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ जाके ज्वाइन करो, फिर देखो भाई आकांक्षा का पिछले 8-10 साल का जो एनालिसिस का एक्सपीरियंस है ना, जिस तरीके से एकदम सटीक प्रेडिक्शन देती है ना भाई, कसम से तुम खुद चौंक जाओगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कोई भी दिक्कत आए जाके मैसेज कर देना, बस सारी दिक्कतें सॉल्व। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो भी मैसेज कर देना, अपने आप तुमको ज्वाइन कर दिया जाएगा, हम कह रहे हैं ना, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो, वीडियो पसंद आई लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।